नमस्कार, स्पेस लैब में आपका स्वागत है। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं, न तो कोई इंटरटेनमेंट का मुद्दा है और न ही ऐसे मौज मस्ती के लिए। मुद्दा यह है कि आज तारीख 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार सुबह सुबह कुछ लोग हाजीपुर थाना अंतर्गत रजौली पोस्ट ऑफिस के अंदर एक गांव आता है चपुता, आसपास का गांव फतेहाबाद, पटिल्ही और सिंधुवाड़ी, ये कुछ गांव है। इस बीच में एक चौर है जिसे चपुता चौर, पटिल्ही चौर या फतेहाबाद चौर के रूप में जाना जाता है। वैसे लोग जो नहीं जानते हैं कि चौर क्या होता है, उनके लिए ये जानकारी दे दूं कि वो लोलैंड जहां साल के कुछ महीने पानी भरे होते हैं, चौर कहते हैं। सुबह एक टीम आई जो हम कुछ ऐसे गांव के लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑर्डर है इसे शूट आउट करने का, अर्थात वो अपने आप को शूटर बता रहे थे। अभी जिस जानवर को आप देख रहे हैं नीलगाय है, घायल है, गोली लगी हुई है और यह एक नर है। इसका रंग बताता है कि यह एक नर है। गोली लगने के बावजूद इसका दुर्भाग्य है कि यह जिंदा बच गया उस कष्ट को झेलने के लिए, जो कि असहनीय होगा। जहाँ तक मैं देखते आ रहा हूँ, अभी रिटर्निंग में मैं उन सारे दृश्यों को कैप्चर करते हुए चलूँगा, वहाँ पर एक दो तीन नर नीलगाय और एक दो तीन मादा नीलगाय, कुल मिलाकर के 6। हम इस नीलगाय को देख सकते हैं, नर नीलगाय को, कि यह किसी तरह से अपने आप को बचाने के चक्कर में हमारे पास से अभी दूर भाग रहा है। तो हम बात कर रहे थे अपने पीछे का जो दृश्य मैं देख कर आ रहा हूँ, इस पूरे चौर और वहाँ यत्र तत्र पड़े हुए नीलगाय की लाश को, कि प्रशासन के लोग आए, उन्होंने बेतरतीब गोलियाँ चलाई हैं, इनको मार दिया गया है। अब हम चलेंगे एक एक करके और चर्चा करते हैं कुछ ग्रामीणों से। नाम? मेरा नाम गणेश कुमार। क्या हुआ था सुबह में? इसमें हुआ कि सुबह मुझे मुझको भी पता नहीं, मुझे पता चला कि किसी आदमी ने मुझे बताया, जब मैं सुबह ने घूमने आया तो पता चला कि कोई सरकारी के आदमी शूटर लोग ने आके मैंने इतना घुरपरास के मतलब नीलगाय नीलगाय के मार दिया। तकरीबन कितना नीलगाय मारा गया? इसमें 7 मारा गया और इस तरफ छुपा हुआ है, मारा हुआ है, सो अभी हम लोग देखने चल सकते हैं। नाम बताओ। पंकज कुमार। क्या जानकारी? यही जो पता चला है कि वो नीलगाय के सब मार रहा है। कुल गिनती पता है क्या, कितने मारे गए? बता सकते हैं ये सब? ठीक है, हम प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह एक नर नीलगाय है, गोली इसे गले के आसपास मारा गया है और यह मृत है। हम इसका सौभाग्य कह सकते हैं कि कष्ट को झेलने के लिए इसे जिंदा नहीं रहना पड़ा। अभी तक की गिनती के अनुसार 3 मादा और 4 नर नीलगाय, जिसे कि गोली लगी और जो मरा, जो जिंदा है उसकी गिनती अलग से। आगे की ओर चलते हैं। हमारा प्रयास ताकि हम ढूंढ पाएं कि कहीं और तो कुछ नीलगाय नहीं है जो कि इस क्रूर व्यवस्था का शिकार हुआ है, किंतु उससे आगे हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी तक की गिनती 3 मादा 4 नर जो कि मृत पाए गए हैं, एक एक के पास ले चलेंगे। अगर हम इस नीलगाय को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, मक्खियां तो भिन भिन ही रही हैं। गोली गले के पास लगी हुई है और अब हम चलेंगे चौड़ वाले क्षेत्र में जहाँ एक तरफ से नीलगाय ही नीलगाय बिखरे हुए हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह सड़क है जो कि पटिल्ही गांव को एक तरफ चपता है, दूसरे तरफ फतेहाबाद से जोड़ता है। यह चौड़ है जो कि चपता गांव की सीमाओं में आता है। अब तक पानी हुआ करता था, पानी अभी अभी सूखा है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे उस पॉइंट पर जहां नीलगाय का शव पड़ा हुआ है।
लेकिन देख सकते हैं कई सौ आपको दिख जाएंगे। चलते हैं आगे उस पॉइंट की ओर। जी, जो गिनती हम अभी बता रहे थे कि चार नर नीलगाय, तीन मादा नीलगाय, जो कि मैं वेरीफाई कर पाया हूँ, देख पाया हूँ, उनमें एक यह भी नर नीलगाय है। देख सकते हैं गोली मुंह के पास लगी है और यह सुबह में ही मर गया था, मतलब ऑन द स्पॉट ही मर गया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। खून के धब्बे हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे पांव के पास ना। इस क्रूर हत्या का गवाह कितना निर्दयी रहा होगा जो अभी हम खून के छींटे देख पा रहे हैं। इस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो एक तो अभी जो हमने देखा, धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नीलगाय सामने पड़ा हुआ है, वह भी एक नर नीलगाय है। देखते हैं कि गोली उसे कहाँ मारा गया है। समस्या किसानों की हो सकती है। हम भी एक किसान परिवार से आते हैं, खुद एक किसान हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि नीलगाय हमारी फसलों को बर्बाद करे, लेकिन ऐसा क्या कि कोई दूसरा विकल्प ही ना हो कि इसे गोली मार दिया जाए? क्या एकमात्र उपाय यही था? अगर एकमात्र उपाय यही था तो इस नीलगाय को इस पर्यावरण का हिस्सा क्यों बनाया गया? हम देख पा रहे हैं यह भी खून से लथपथ, इधर उधर खून बिखरा हुआ एक नर नीलगाय है। सामने पानी भरा हुआ है, इसी जलाशय के आसपास जो बगीचे हैं और जंगल हैं, इसी जंगल में ये नीलगाय यहाँ पर रहते थे। हमें याद है कि जिस समय पिछले बरसात के दौरान, लॉकडाउन के दौरान इनकी अगली संतति आई थी इस दुनिया में, पता नहीं अभी तो एक भी जिंदा जो कि स्वस्थ हो वो दिख नहीं रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, प्रयास है वही नीलगाय जो कि एक नर नीलगाय है, पानी में पड़ा हुआ है, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है। प्रयास करेंगे आगे चल करके वहाँ पहुँचने का। प्रयास करने के बावजूद भी मैं इस नीलगाय तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, पानी के अंदर है, जान बचाने के चक्कर में अंदर तो घुस गया लेकिन उन क्रूर गोलियों से नहीं बच पाया। यह एक नर नीलगाय है और इस तरह से एक, दो, तीन और एक गाछी के अंदर चार, चौड़ में तीन और गाछी में एक, चार नर नीलगाय। और अब चलते हैं मादा नीलगाय की ओर। अभी यह जो गाड़ी का लीक देख पा रहे हैं, यह दाग वही है जिससे होकर एक प्रोबेबली एसयूवी रहा होगा, जिससे होकर के ये अंदर घुसे हैं। हम इस गाड़ी को फॉलो करते हैं, चौड़ में घुसते हैं और चौड़ में आने के बाद पानी की तरफ न जा करके ये घूमकर दूसरी तरफ, सामने अगर आप मंदिर देख पा रहे हैं तो मंदिर की तरफ भी एक, दो, तीन, चार, चार मादा नीलगाय पड़ी हुई है। हम चलेंगे अभी अगले पॉइंट तक, फिर मुद्दा कितना गंभीर है इस पर विचार किया जाएगा ग्रामीणों के साथ। जी, दृश्य हृदय विदारक हो सकता है, कहीं से भी मानवीय नहीं लगता है। अगर किसानों के लिए खतरा था, अगर किसानों का फसल नुकसान होता था, उसका तरीका हो सकता था इन्हें यहाँ से बेहोशी की दवा देकर, बेहोशी का सुई लगाकर और किसी ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जा सकता था जहाँ पर कि ये आराम से विचरण करते हैं। ठीक है, हमारे लिए इन किसानों को ये नुकसान पहुँचाते होंगे, उसका परिणाम यह दुखद है। देख सकते हैं यह एक मादा नीलगाय है, जैसा कि जो तीन जिसकी चर्चा मैं कर रहा था उस तीन में से एक है,
जिसे हम वेरीफाई कर पाए हैं, जिसे हमने अपनी नज़रों से देखा है, उसमें से एक है। खून का धब्बा दिखाई देता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। लग तो यही रहा है कि गोली इसे पीछे से मारा गया है। आता बताओ ना की भेलै रे, कै बजे के घटना है? सवेरे तकरीबन कै बजे? 5-6 बजे सवेरे, एकदम सवेरे। कौन कौन गाड़ी से आयल रहे? गाड़ी न देखल रो भारी चौर में न रहे कोई? अच्छा आयल हो तो मॉडल देखल हो। कोई ऐसा आदमी जे वो घड़ी रह गोलीबारी घड़ी यहाँ ऐसा केकरो जे नहीं जाके मिलब? न देखो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अभी यह दृश्य जो हम देख पा रहे हैं, कभी इनके लिए स्वर्ग हुआ करता था, नीलगाय के लिए। आम के बगीचे में नीलगाय बैठते थे या अपने बछड़ों के साथ यहाँ घूमते थे, लेकिन पता नहीं, हर किसी के सुख का दिन होता है, इनके भी सुख का इतना ही दिन था। जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं, एक अन्य नीलगाय, मादा नीलगाय, जो कि गोलियों का शिकार हुआ, यहाँ पड़ा है। जैसा कि हम खून के छींटे देख पा रहे हैं, देखने से तो लगता है कि गोली पीछे से ही मारा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि गोली पीछे से मारा गया है। एक और नीलगाय जो कि हम देख पाए हैं, वहां चलते हैं। धीरे धीरे हम आबादी वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। खड़ौड़ यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक मादा नीलगाय के पास ले चलें। यह भी उसी गोली का शिकार हुआ है, जिसका कारण यह खुद नहीं जानता है। प्रशासन की ऐसी कौन सी व्यवस्था है, क्यों निरीह प्राणियों को इस तरह से मार दिया गया? अगर मारना ही था तो इन्हें क्यों छोड़ा गया था, प्रश्न यह है। हाँ, मैं पर्यावरण विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है, एक पर्यावरणविद आप कह सकते हैं, मेरे लिए दुखद हो सकता है, लेकिन हम समझेंगे गांव के लोगों से जो कि सामान्यतः किसान है, मैं भी इसी गांव का हूँ, फिर भी हम उन लोगों से समझेंगे जिसे आम भाषा में हम कहें कि इस गाँव के किसान हैं, उनसे समझेंगे जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो अब हम एक ऐसे मुहाने पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर एक तरफ चौर है, गाछी है, जंगल है, और दूसरी तरफ एक लिंक रोड जो कि दो मेजर हाईवेज को कनेक्ट करता है, और चुपता गांव के अंतर्गत एक मंदिर, शिव मंदिर। चलते हैं मंदिर। ओम नमः शिवाय। एक काफी दुखद घटना जिसका साक्ष्य बनकर हम लोग आ रहे हैं। हम इस शिव मंदिर जो कि वासुदेवपुर चपता अफजलपुर धोव घाटी पंचायत में रजौली
पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत हाजीपुर महुआ रोड पर आता है, वहीं पर एक शिव मंदिर है, वहाँ बैठे हैं कुछ ग्रामीण हैं। इन ग्रामीणों का विचार सुनते हैं। मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट रहा हूँ, मेरे लिए यह घटना अति दुखद है, किंतु मैं बात करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित कुछ ग्रामीणों से, जो मैं भी इसी गांव का हूँ लेकिन इस गांव के अन्य ग्रामीणों से मैं बात करना चाहूँगा। नाम? मेरा नाम नितेश कुमार उर्फ मंटू भाई है। ठीक। हम इसी गांव के निवासी, बागदेवपुर चपता गांव के निवासी हैं। आज जो घटना हुई है उसके बारे में एक घटना, एक छोटी जानकारी दीजिए। घोरप्रास मारने का जो काम किया गया नीलगाय द्वारा, नीलगाय ने, इसको घोरप्रास कहते हैं, जिसको बकरी के प्रजाति में हम लोग मानते हैं। हाँ, ठीक है। इसको मारने का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें आया कि मुखिया के द्वारा एक लेटर लिखवा के विधायक जी को देना है, तब शूटर आएगा। तो मुखिया जी के द्वारा लेटर लिखवा के हम खुद अपने हाथों से जाके विधायक जी को दिए और बोले कि विधायक जी हम लोग त्रस्त हो गए हैं इसके, 6 कट्ठा मेरा मकई रोपे हुए थे जिसमें एक भी बाल हम अपना भुट्टा तक नहीं खाए और सिर्फ उसमें उसका बच गया ठठेरा, इसलिए हम लोग त्रस्त थे और ये जो हुआ है इससे हम लोग ठीक है, पशु को मारा गया है लेकिन इससे हम लोग को, जहाँ तक किसान को, चाहे जमी एक किसान है, हमको बहुत लाभ मिलेगा ताकि मेरा जो फसल है वो फसल अब सुरक्षित रहेगा, बचेगा। ठीक है। तो आपका पहलू यह है कि अगर हम इसे सारांश में लें, किसानों का फसल नुकसान होता था, ठीक है, उस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा नहीं हो पाती थी। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। उस नुकसान को बचाने के लिए आपके द्वारा या पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा एक पत्र दिया गया विधायक जी को, विधायक जी के द्वारा पत्र आगे बढ़ाया गया और उस पर कार्रवाई करते हुए सरकारी शूटर आया, इसे मारा, ठीक है, जिससे कि आगे से फसल का नुकसान न हो, ठीक है। हम गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं या पुजारी जी भी हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे कि आप पहले नाम बताएं। शंभुदास। इसी मंदिर में आप पुजारी हैं। और एक पहलू जो हमने देखा मंटू जी द्वारा, नीलगाय आता था, फसल नुकसान कर देता था, किसानों को कष्ट होता था, उसको लेकर के आवेदन दिया गया, सरकार की तरफ से शूटर आया, शूट करके चला गया, एक पहलू तो किसान का हो गया। क्या इसका कोई और विकल्प था? ऐसा नहीं होता कि इसे मारा ना जाता बेहोश करके और कहीं? विकल्प इसका बहुत है लेकिन इस पर सरकार कोई निगरानी करता नहीं। मान लिया जब इतना ना इसकी जनसंख्या हो गया, जो किसान की कर्जा करके वहाँ करके खेती करते हैं और उसके बाद जैसे कि अब उसकी फसल बच नहीं पा रहा है, अब ऐसे हमें हमारा जैसे चार घोर के रखा गया, हम क्या करें? सरकार की तरफ से कोई सहायता किसानों को नहीं हो पाती थी, तो मतलब जो हुआ वह चाहिए है, नहीं तो सरकार की व्यवस्था कर दो कि इसको व्यवस्था करके इसका चारा, इसको कहीं और, या तो कहीं और इसे ले जाए, उसका व्यवस्था सरकार करे। अब किसान उग गया तो क्या करेगा जी? ठीक है, कोई उपाय नहीं। गांव के कुछ अन्य लोग बात करेंगे। ये हैं पूर्व शिक्षक श्री नंद किशोर ठाकुर जी, इसी गांव से हैं। जो हुआ क्या एकमात्र तरीका वही था या इसके अलावा कोई और विकल्प था? और विकल्प था जो नहीं किया गया, पहले किया गया है, इसके पहले? इसके पहले किया गया था, सबको पकड़ के कहीं अलग जंगल में छोड़ दिया गया था जिसे कम से कम वह मरा नहीं। क्योंकि हम अपने आप को सभ्य समाज के लोग कहते हैं, ठीक है, इसे हम बकरी की श्रेणी में रखें या किसी भी श्रेणी में, हिरण की श्रेणी में रखें या जिस किसी भी श्रेणी में आम आदमी इसको रख ले, लेकिन कहने को हम इसे नीलगाय कहते हैं, सम्मान हम इसका करते आए हैं, ऐसी मान्यता रही है कि हम अपने से इसे नहीं मार सकते हैं। अगर ऐसा होता तो किसान खुद मार दिया करता, किंतु जो घटना हुई क्या यह दुखद है? बहुत दुखद है। आगे से होना चाहिए या रोक लगनी चाहिए? नहीं, रोक लगनी चाहिए। ठीक है, हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अपने उन बुद्धिजीवी साथियों से
हम अपील करना चाहेंगे जो वन्य जीव संस्थान से जुड़े हुए हैं, जैसे कि समीर या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई मेरी दोस्त सोनाली घोष वगैरह, क्या एकमात्र तरीका यही था? हम एक इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में, मैं उदय कुमार इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, इन्वायरमेंटल साइंसेस से मैंने पढ़ाई किया है अपना हायर एजुकेशन, तो मेरे लिए यह अति दुखद है, लेकिन आप हमें गाइड करें कि क्या एकमात्र तरीका यही था? मेरे अन्य दर्शकगण या मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग, मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ, जरूर कमेंट करें और इसे शेयर अवश्य करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों की जानकारी में हो कि हाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रशासन द्वारा, यह उचित है अनुचित है यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।